सन 1850 में रूस में जॉर्जिया के जंगलों से एक वनमानुष जैसी जंगली महिला मिली थी, जिसे वहां के शिकारियों ने पकड़ा था। उस दौर में आदि मानव जैसी महिला का मिलना आम बात नहीं थी। उस जंगली महिला के मोटे मोटे हाथ, पैर और उंगलियां थे, जो सामान्य इंसान से अलग थे। उसका शरीर काले घने बालों से घिरा हुआ था। वो बहुत ही भयंकर थी, फिर भी शिकारियों ने उसे जिंदा पकड़ा था। उसके बाद उन शिकारियों ने उस वनमानुष महिला को एक गांव के ठाकुर एड़ी गैनाबा को दे दिया। वो वनमानुष महिला बहुत हिंसक और खूंखार थी, जिसकी वजह से उसे वहां पर 3 साल तक पिंजरे में रखा गया था। धीरे धीरे वो महिला पालतू बनती गई और उसे पिंजरे से आजाद कर दिया गया। फिर उस महिला को जाना नाम दिया गया। वो महिला वहीं आसपास घूमती थी जहां उसे खिलाया गया था। वो उस जगह से ज्यादा दूर नहीं जाती थी। फिर जाना ने इंसानों वाले कुछ सरल काम सीखे, जैसे लकड़ी लाना और मक्का को पीसना, पर जाना कभी भी बोलना नहीं सीख पाई। गांव के लोग जाना से डरते थे, क्योंकि वो गुस्सा होने पर हिंसक और क्रूर हो जाती थी। उसे बस उसका मालिक एड़ी गैनाबा ही काबू कर पाता था। जाना बहुत ताकतवर और मजबूत थी। वो 80 किलो की बोरी को उठा सकती थी। जाना को रात के समय जंगल में घूमना पसंद था। उसे खाने में अंगूर बहुत पसंद थे। उसे कपड़े पहनाए जाते थे, पर वह उसे फाड़ देती थी और सर्दियों में भी नग्न घूमती थी। जाना शराब भी पीती थी। जाना ने कुछ पुरुषों द्वारा कई बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन वो उन्हें नदी के ठंडे पानी से नहला देती थी, जिसके कारण उसके बच्चे मर जाया करते थे। फिर उसके बच्चों को जन्म के बाद उससे दूर कर दिया जाता था और उनको गांव में सबके बीच पालन पोषण किया जाने लगा था। जाना के बच्चे बहुत लंबे और मजबूत थे और वे थोड़ा अजीब दिखते थे। जाना के बच्चे इंसानों जैसे बोल सकते थे और इंसानों जैसे हर काम भी कर सकते थे। जाना की मौत सन 1890 में हुई थी। जाना का आखिरी बेटे का नाम खियात था, जिसकी मौत सन 1954 में हुई थी। कहा जाता है कि खियात वहां के ठाकुर एड़ी गैनाबा के बेटे थे। ख्यात की शक्ल कई हद तक एड़ी गैनाबा से मिलती थी। मरने के बाद ख्यात की खोपड़ी एक मनोवैज्ञानिक को दी गई थी और उन्होंने जांच में पाया कि उसकी खोपड़ी नर खोपड़ी से अलग थी। जाना के नाती पोतों में से एक था सालिंकुला, जो कुर्सी में बैठे इंसान को कुर्सी सहित मुंह से ही उठा लेता था। जाना की एक पोती कई हद तक इंसानों जैसी दिखती थी। कहा जाता है कि जाना एक प्रकार की आदि मानव यानी बिग फुट थी, जो उसकी आखिरी प्रजाति में से एक थी। कुछ प्रोफेसरों का यह भी कहना है कि जाना नियंडरथल जाति की सदस्य थी। ये नियंडरथल जाति आइस एज के समय में हुआ करती थी और कहा जाता है कि ये अब भी रूस के जंगलों में जीवित है।